नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपको अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई सूचना। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, जो ये वीडियो है वो राजस्थान शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे जो राजस्थान में पात्र शिक्षक पात्रता जो परीक्षा होने वाली है वो इसी साल होगी। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि ये कितने पदों के लिए होगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो शिक्षकों के लिए जो बजट में घोषणा की गई थी 21,000 पदों पर भर्ती की, और जो शिक्षक जो परीक्षा होगी वो इसी साल होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी न्यूज देंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर विजिट करना नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों यहाँ पे ये न्यूज को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, देख सकते हैं शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत, शिक्षकों के 21,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, इस साल हो सकती है शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो देख सकते हैं दैनिक भास्कर की खबर है, आज के न्यूज़पेपर में आइए आप खुद भी देख सकते हैं दैनिक भास्कर में। यहाँ पे जूम करके पूरी खबर पढ़ते हैं, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे लाख अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, शिक्षा विभाग के लिए बजट में की गई 21,000 पदों पर भर्ती की तैयारी के लिए इस साल रीट का आयोजन हो सकता है। विभाग ने रीट के आयोजन को लेकर खाका तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। समक्ष स्तर पर अनुमति के बाद इस काम को और गति मिलेगी। फिलहाल दो विकल्पों को ध्यान में रखकर रीट का आयोजन की तैयारी की जा रही है। इसमें एक तो नवंबर में रीट परीक्षा आयोजन कर लिया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो परीक्षा अगर रीट की होगी तो इसमें जिसमें दो डेट को देखकर ध्यान में और जब कार्य किया जाए, तो इसमें एक तो नवंबर में पेपर हो सकता है, रीट परीक्षा आयोजन कर लिया जाए। इस महीने संभव नहीं हो तो फिर परिवार फरवरी में इसका आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम होगा या तो इस साल नवंबर में हो जाएगा, अगर नवंबर में नहीं होता है तो फरवरी तक तो हो ही जाएगा। रीट के आयोजन को जिम्मेदारी जो है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास है। बोर्ड के पास अक्टूबर से लेकर और फरवरी तक कोई भी अधिकार नहीं रहता है, तो इस कारण इस अवधि में रीट हो सकती है। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो करवाते हैं उसके पास भी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होते हैं, इसलिए वो फ्री हो रहता है। तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ही रीट का एग्जाम होगा, इस कारण इस अवधि में रीट हो सकती है। फरवरी के बाद बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, ऐसे में उस अवधि में रीट आयोजन को लेकर बोर्ड के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। विभाग के अधिकारी जल्दी ही रीट के आयोजन की पूरी रूपरेखा तैयार कर समक्ष स्तर पर रखेंगे, इसके बाद अनुमति मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने बजट में इस विभाग में 21,000 पदों की भर्ती का ऐलान किया था, हालांकि यह नहीं बताया गया कि इसमें तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की जो कितने पद होंगे। तो टोटल 21,000 पद शिक्षक भर्ती की कहा गया था, लेकिन तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती है उसके पद अलग अलग डिस्प्ले नहीं किए गए थे, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर भर्ती से पहले रीट का आयोजन जरूरी है। ऐसे में विभाग चाहता है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले रीट का आयोजन कर लिया जाए, ताकि फिर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि जो आपके पास रीट का पेपर है वो जल्दी होने वाला है। जो विद्यार्थी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, जो टीचर बनने की जो सपना देख रहे थे, उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। या तो आपकी बार अक्टूबर में या फिर फरवरी तक ये एग्जाम जरूर हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। यहाँ पर देख सकते हैं 9 साल में 4 बार हुई है रीट अभी तक। जब रीट की अगर बात करते हैं तो 2011 से 2019 के 9 साल में रीट सिर्फ 4 बार आयोजित हुई है। 2011, 12, 15 और 17 में ही रीट आयोजित हुई है। वर्ष 2011-12 में आरटेट के नाम से किया गया था, और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट टू के लिए रीट में 60% अनिवार्य अंक है। और जो उपेन यादव, उनको क्या कहना है, अभ्यर्थियों को 2 साल से रीट का इंतजार है, अक्टूबर से फरवरी तक का समय रीट के लिए उपयुक्त है। सरकार को चाहिए कि इस अवधि में रीट का आयोजन कर बेरोजगारों को राहत पहुंचाए, साथ ही 21,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जल्दी हो। तो दोस्तों आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। तो जैसे ही इसका जो भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली आएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर, तो वो भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो अगर आप चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी दोस्तों तक ये खबर पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।